हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरु सिंह चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। आज की रेसिपी है ये मिर्ची का स्टफ, मिर्ची सब्जी बनाऊंगी मैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे सब्जी भी बोल सकते हैं या फिर इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं। तो पहले मैंने इसे धो लिया है, धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इसके बीच में मैं एक स्लिट डालूंगी, स्लिट डाल के मैं इसके अंदर का जो भी बीज है उसे निकाल लूंगी, उसे मैं स्टफिंग में नहीं यूज करूंगी। तो स्टफिंग में मैं यूज़ कर रही हूँ ये बीकानेरी भुजिया है, तीखा वाला है, प्लेन नहीं है, जो मैंने 4 टेबल स्पून लिया हुआ है तीखा बीकानेरी का भुजिया, जो मैं इसके अंदर स्टफ़ करूंगी। साथ में मैं कुछ मसाले भी इसमें ऐड करूंगी। तो वो मसाला है यहाँ पे 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना ये धनिया पाउडर है, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना ये चाट मसाला लिया हुआ है, और यहाँ पे जीरा और ब्लैक पेपर का 1 टीस्पून जितना पाउडर है, साथ में टेस्ट टू सॉल्ट है, और 1 टीस्पून जितना शुगर मैंने लिया है। तो इन सब को मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसे चंक्स कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो इन सब को इसमें डाल के आप मिक्स कर लीजिएगा। पानी नहीं डालना है, इसे सूखा ही पाउडर बनाना है। तो चलिए पहले मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे हींग डालना भूल गई थी, तो 1 पिंच जितना ही आप यहाँ हींग भी ऐड कर लीजिएगा। तो मेरा ये सूखा मसाला पाउडर बन के तैयार है, और मिर्ची से मैंने बीज निकाल कर अलग कर दिया है। इस तरह से स्लिट डालकर, आपको पूरा स्लिट डालना है लेकिन कट नहीं करना है, दो भाग नहीं करना है मिर्ची का, आप टॉप टू बॉटम इसकी स्लिट डालिएगा और इसको स्टफ कीजिएगा। स्टफिंग उतनी ही होनी चाहिए कि ताकि ये बाहर ना निकल के आ सके। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो आप इसमें 1 टीस्पून जितना आप मस्टर्ड ऑयल डाल के इसे थोड़ा गीला कर सकते हैं। तो आप इसमें ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, और मिक्स करने के बाद इसमें स्टफ़ कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टफिंग कैसे करनी है, वो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। ये वो मिर्ची के बीज है जो इसके अंदर से निकला है, इसे मैं स्टफिंग में यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसे बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा मसाला, तो इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया है, इसे मैं स्टफ़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से इसके अंदर से ये बीज निकलेंगे जिसे आप साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पून की हेल्प से इसके अंदर स्टफिंग को फिल कर रही हूँ। तो आप हल्का सा प्रेस करते हुए इसे भरिएगा, इतना मत भर दीजिएगा ऊपर तक कि ये फ्राई करते वक्त बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैंने कितना लिया हुआ है, 1.5 स्पून जितना ही एक मिर्ची में ये जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो फिंगर की हेल्प से आप थोड़ा इसे फैलाते हुए या स्पून से ही दबाते हुए इस तरह से आप इसे फिल कर दीजिए, हल्का हाथ से इसे प्रेस कर दीजिएगा। तो अब ये जब सब स्टफ हो जाएगा तो मैं इसे फ्राई करूँगी। तो फ्राई कैसे करना है वो आप देख लेते हैं। तो एक पैन में, जिस तरह से मैंने लिया हुआ है खुले पैन में, मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो और कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, इसे डीप फ्राई नहीं करना है, सेल्फ फ्राई करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो स्लिट किया हुआ था पार्ट, वो पहले मैंने ऊपर के साइड ही रखा है ताकि ये नीचे से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। उसके बाद मैं चिमटी की मदद से इसे पलट दूंगी, टर्न कर दीजिएगा ताकि इसके दूसरे साइड भी अच्छी तरह से ये सिक जाए। तो इस साइड पे जब ये सिक जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे टर्न करना है। तो वन साइड हो चुका है ये रोस्ट, तो मैं इसे टर्न कर रही हूँ चिमटी की मदद से। बस इतना ही रोस्ट करना है, इसे ज़्यादा मत करिएगा नहीं तो आपकी मिर्ची जल जाएगी और फिर खाने में इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये कड़वा टेस्ट देगा। तो ज़्यादा मत रोस्ट होने दीजिएगा, बस इतना ही करिएगा। और इसके बाद जब ये दोनों साइड हो जाएंगे
तो फिर आप इसे निकाल लीजिएगा। तो जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ दोनों साइड किस तरह से इसे फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अब पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और ये सीज भी गया है, पक गया है। तो अब मैं इसे प्लेटिंग करके अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपकी स्टफ़ मिर्ची बनके तैयार है। ये किसी भी खाने के प्लेट में रखिएगा, उस खाने का स्वाद को और भी चार चांद लगाएगा। बहुत ही यमी, चटपटा और चटकदार बना है ये, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमें तो बहुत पसंद आया, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।